दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का असम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, तो बारी बारी से सब खबरों को हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना आगे बढ़ाए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लेते हैं कि पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आज की जो पहली बड़ी खबर आ रही है वो है कि राहुल के यू टर्न पर पाकिस्तान का रिएक्शन। फवाद चौधरी ने बताया कंफ्यूज नेता। आपको बता दें कि कश्मीर इशू पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरते रहने वाले राहुल गांधी ने अब यू टर्न लेते हुए सरकार का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है, इस मामले में पाकिस्तान या किसी दूसरे देश को दखल देने की कोई जगह नहीं है, और कश्मीर में हिंसा पाकिस्तान द्वारा उकसाए जाने की वजह से हो रही है, और पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवाद का प्रमुख समर्थक है। और राहुल गांधी के इस बयान पर पाकिस्तान ने नसीहत दी है कि पाकिस्तानी मंत्री फवाद चौधरी ने कहा है कि राहुल गांधी को अपने रुख पर कायम रहना चाहिए। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने बुधवार को एक के बाद एक ट्वीट किए हैं, और पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा, मैं कई मसलों पर सरकार से असहमत हूं, लेकिन यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कश्मीर भारत का आंतरिक मसला है, इसमें पाकिस्तान या फिर किसी दूसरे देश को हस्तक्षेप करने की कोई जगह नहीं है। इसके कुछ ही देर बाद राहुल गांधी ने दूसरा ट्वीट करके पाकिस्तान पर करारा हमला बोला। राहुल ने लिखा कि जम्मू कश्मीर में हिंसा हो रही है, यह हिंसा इसलिए हो रही है क्योंकि पाकिस्तान इसे भड़का रहा है और इसका समर्थन कर रहा है। पाकिस्तान ऐसा मुल्क जिसकी पहचान दुनिया भर में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश की रही है। वहीं अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि 370 हटाए जाने की संवैधानिक वैधता की समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 और 35 ए के अधिकतर प्रावधानों को रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिका दायर की गई है। आज बुधवार उनमें से अधिकतर पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और बाकी लोगों को नोटिस जारी किया है। साथ ही कहा है कि 5 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ अक्टूबर के पहले सप्ताह में अनुच्छेद 370 से संबंधित सभी याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि वह अनुच्छेद 370 हटाए जाने की संवैधानिक वैधता की समीक्षा करेगा। दरअसल कोर्ट केंद्र सरकार की दलील से सहमत नहीं था। केंद्र ने कहा था कि अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में मौजूद हैं, इसलिए नोटिस जारी नहीं किया जाना चाहिए। बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 10 से भी अधिक याचिकाएं दायर की गई थी। जी हाँ दोस्तों, वही अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही कि पाकिस्तान ने बंद किया कराची एयर स्पेस, तो स्वामी ने दी कराची बंदरगाह पर पीएम मोदी को ये सलाह। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने बुधवार को कराची हवाई क्षेत्र एयर स्पेस को 31 अगस्त तक बंद किए जाने की घोषणा की है। पाकिस्तान के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण CAA ने एयरमैन को नोटिस जारी किया है, जिसमें 28 अगस्त से 31 अगस्त तक कराची हवाई क्षेत्र एयर स्पेस के 3 मार्गों को बंद करने की सूचना दी गई है। आपको बता दें कि सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को इस नोटिस के अनुसार कराची हवाई क्षेत्र एयर स्पेस के 3 मार्गों से बचने के लिए कहा गया है। CAA ने एयर स्पेस बंद का कोई कारण नहीं बताया है। कराची एयर स्पेस को बंद करने की अधिसूचना ऐसे समय में आई है जब पाकिस्तान भारत के लिए हवाई क्षेत्र को पूरी तरह से बंद करने पर विचार कर रहा है। साथ ही अफगानिस्तान के साथ व्यापार के लिए अपने क्षेत्र का उपयोग करने से भारत पर प्रतिबंध लगाने की भी योजना बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही कि बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाने वाली लड़की की सुरक्षा की भी गारंटी नहीं है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर शोषण के आरोप से जुड़ा वीडियो पोस्ट करने के बाद कानून की पढ़ाई कर रही 23 वर्षीय छात्रा गायब है। इसे लेकर भाजपा सांसद स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ अपहरण और आपराधिक धमकी का मामला दर्ज किया गया है। इस खबर की एक प्रति लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर शेयर किया और भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश में एक दिन ऐसा नहीं बीतता जिस दिन भाजपा सरकार महिलाओं को यह भरोसा दिलाने में कामयाब हो कि आप सुरक्षित हैं और अगर आपके साथ कोई घटना घटती है तो आपको न्याय मिलेगा। उन्होंने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आवाज उठाने वाली लड़की लापता है या कर दी गई है, उसके साथ क्या हो रहा है कोई नहीं जानता, आखिर यह कब तक चलेगा। प्रियंका गांधी ने उन्नाव दुष्कर्म मामले को उठाते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश में यह उन्नाव मामले जैसा ही दोहराव लग रहा है। अगर कोई महिला बीजेपी नेता के खिलाफ शिकायत करती है तो उनका न्याय मिलना तो दूर की बात है, उसकी खुद की सुरक्षा की भी गारंटी नहीं रहती है। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि कश्मीर से धारा 370 हटने के मुद्दे पर भारत को रूस का साथ, कहा यह भारत सरकार का संप्रभु निर्णय है। आपको बता दें कि कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान के हुक्मरान बेहद परेशान हैं और खुद को कश्मीरियों का रहनुमा साबित करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान इस दिशा में किसी भी हद तक जाने को तैयार दिख रहा है। UANSC में कश्मीर मामले को पाकिस्तान ने उठाया था और UANSC में भारत की सटीक कूटनीति से पाकिस्तान
को वहां भी मुख की कहानी पड़ी थी और पाकिस्तान कश्मीर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश जारी रखे हुए है, मगर वो हर मोर्चे पर मात खा रहा है। कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर भारत में रूसी राजनयिक निकोले कुदाशेव ने ट्वीट कर अपने विचार इस मसले पर रखे हैं। उन्होंने कहा कि यह भारत सरकार का संप्रभु निर्णय है, यह भारत का आंतरिक मामला है। भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूद सभी मुद्दों को शिमला समझौता और लाहौर घोषणा के आधार पर बातचीत के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अभी एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही कि मुंबई के बायकुला के लकड़ी मार्केट में लगी भीषण आग, मौके पर मौजूद फायर टेंडर की 8 गाड़ियां। आपको बता दें कि मायानगरी मुंबई के बायकुला के लकड़ी मार्केट में बुधवार तक तड़के आग लगने की घटना सामने आई है। फिलहाल खास बात यह रही है कि इस आग से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं मिली है। सुबह से लगी आग को लेकर खबर है कि इस पर अभी तक काबू नहीं पाया गया और आग को काबू में करने के लिए फायर टेंडर की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। प्राप्त मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भीषण आग लगने से इलाके में कम मच गया और साथ ही लोगों द्वारा फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन अब तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है और इसकी पड़ताल की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही कि इतिहास रचने से चंद कदम दूर है चंद्रयान 2। आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 2 को चांद की तीसरी कक्षा में बुधवार को सफलतापूर्वक प्रवेश करा दिया है। इसी कक्षा में चंद्रयान 2 अगले 2 दिनों तक चांद का चक्कर लगाएगा। इसके बाद 30 अगस्त को चंद्रयान 2 को चंद्रमा की चौथी और 1 सितंबर को 5वीं कक्षा में प्रवेश कराया जाएगा। आपको बता दें कि इसरो के बयान के मुताबिक आज सुबह 9:04 पर चंद्रयान 2 को चंद्रमा की तीसरी कक्षा में प्रवेश कराया गया, जो पूर्ण रूप से सफल रहा और चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की तीसरी कक्षा में सुबह 9:04 प्रवेश किया। अब चंद्रयान 2 चंद्रमा के चारों तरफ 179 किलोमीटर की एपोजी और 1412 किलोमीटर की पेरोजी में चक्कर लगाएगा। इसी ऑर्बिट में चंद्रयान 2 अगले 2 दिनों तक चंद्रमा का चक्कर लगाता रहेगा। इसके बाद 30 अगस्त को चंद्रयान 2 को चांद की चौथी और 1 सितंबर को 5वीं कक्षा में प्रवेश कराया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं अगली बड़ी खबर मौसम विभाग से आ रही कि फिर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में बाढ़ का कहर, मंदिर डूबे और शिप्रा उफान पर। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में पिछले कई दिनों से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है, जबकि आसपास के इलाकों में हो रही लगातार बारिश के बाद शिप्रा नदी स्थित राम घाट भी पूरी तरह से जलमग्न हो गया है, जिस कारण से कई बड़े छोटे मंदिर आज फिर डूबे हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही शिप्रा नदी के छोटे पुल पर करीब 2 फीट तक पानी ऊपर बह रहा है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस साल में तीसरी बार शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ा है। वहीं मूसलाधार बारिश के कारण शिप्रा नदी का छोटा पुल फिर से डूब गया है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा पुल के दोनों ओर बैरिकेड्स लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया है। अच्छी बारिश के कारण उज्जैन का गंभीर बांध भी पूरी तरह से फुल हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, वही अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही कि वायनाड पहुंचे राहुल गांधी को युवक ने चूमा, बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने के लिए पहुंचे हैं अपने संसदीय क्षेत्र। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के विरोध में बयान देकर जहां पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की जमकर खिंचाई हो रही है, वहीं बुधवार को वे अपने संसदीय क्षेत्र केरल के वायनाड पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की स्थिति का जायजा लिया और इस दौरान एक अनोखी बात उस दौरान सामने आई जब लोगों ने उनके हालातों को लेकर बात कर रहे राहुल गांधी को एक युवक ने चूम लिया। इसके बाद राहुल गांधी उसे दूर करते दिखे। हालांकि इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोगों के कमेंट्स भी काफी रोचक आ रहे हैं। आपको बता दें कि विविध हो कि अपने 4 दिवसीय दौरे पर संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचे राहुल गांधी ने बुधवार को बाढ़ की स्थिति की जायजा लेते हुए लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एक चाय की दुकान पर बैठे लोगों का हाल जाना, साथ ही उनके साथ चाय भी पीते नजर आए। राहुल के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे, लेकिन इसी क्रम में जब वे अपनी कार में बैठकर लोगों से हाथ मिला रहे थे, इस दौरान एक शख्स आया और शीशे वाली जगह से अंदर सिर डालकर राहुल गांधी के गाल पर चूम लिया। राहुल उसे हटाते हुए तो दिखे, लेकिन कैमरा साथ होने के चलते उन्होंने जल्द अपने गुस्से पर काबू पाया। जी हाँ दोस्तों, अभी भी एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही कि LOC पार से पाकिस्तान की फायरिंग और पूंछ में किया सीज फायर का उल्लंघन। आपको बता दें कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और लगातार सीमा पार से गोलीबारी कर रहा है। अब पाकिस्तान ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर में सीज फायर उल्लंघन किया है। LOC पर पूंछ जिले में पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है और पाकिस्तानी सेना की ओर से लगातार हो रही गोलीबारी और गोलाबारी का भारतीय सेना की जवाब दे रही है। आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद से पाकिस्तान
बौखलाया हुआ है। वह लगातार सीमा पर फायरिंग कर रहा है और पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में कृष्णा घाटी मेंढर सेक्टर में भी फायरिंग किया था। जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह कर दिया है। इससे पहले पाकिस्तान की गोलीबारी में नायक रवि रंजन कुमार सिंह शहीद हो गए और 36 साल के रवि रंजन कुमार सिंह बिहार के थे। वे गोप बीघा गांव के रहने वाले थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी रीता देवी के अलावा अन्य सदस्य हैं और पाकिस्तान की नापाक हरकत का भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इस कड़ी में नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। वहीं भारतीय सेना करारा जवाब देते हुए राजौरी सेक्टर में पाकिस्तानी सेना की एक चौकी को उड़ा दिया और सेना से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किए जाने के बाद भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों के अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल औसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों के साथ, सरकारी योजनाओं के एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।